Hello children, today's topic is shoot system and its modification. It is part 3 of structure and function of plant parts. Okay, firstly I will tell you about shoot system. The aerial part of plant which grows above the soil is called shoot system. It consists of stem, leaves, bud, flowers and fruit. Okay, they are of three type. If the stem are green, soft, it is called herb. If the stem are hard, woody, bushy, it is called shrub. And if the stem are hard, thick, strong, it is called tree. Clear? Okay. Next is function of a stem. Okay. Before telling you the function of a stem, I will tell you a little more about stem. Suppose that this is a stem. And if the branches arises from this part or this part, that this part is called node. Okay. Or nodes ke beech wala jo part hota hai, usse kehte hain internodes. Clear? Or agar stem ke upar ye jo bud like structure hota hai, ya phir kahin par bhi branch ke agar tip par bud ka structure hai, to hum usse kehte hain apical bud ya phir terminal bud. Okay? नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन ऑफ स्टेम पे. तो स्टेम क्या करता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि ऑल ओवर द प्लांट पार्ट्स ये सपोर्ट का काम करता है. और क्या करता है, जो रूट्स होती हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, उस वाटर को ये पूरे प्लांट पार्ट्स में कंडक्ट करने का काम करता है. और इसका अगला काम क्या है, जो लीव्स फूड बनाती हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है. आपको पता है ना कि लीव्स फूड कैसे बनाती हैं, जब लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं तो ये फूड को फूड फॉर्म करती हैं. ओके, और इनका जो फूड बनता है वो लीव्स में ही ना स्टोर होकर के स्टेम के फ्लोएम की हेल्प से ये पूरे प्लांट पार्ट्स में स्प्रेड होता है या फिर ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. मॉडिफिकेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन क्या होता है, जो ग्राउंड के अंदर अगर स्टेम का मॉडिफिकेशन हुआ पड़ा है तो उसे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन कहते हैं. एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है, अगर मॉडिफिकेशन ग्राउंड के ऊपर है, क्लियर, तो हम उसे एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं. और सब एरियल मॉडिफिकेशन में क्या है कि अगर ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस पे, या जैसे यहाँ पर ऑफसेट है इसका एग्जांपल, वाटर के सरफेस पे बिल्कुल मॉडिफिकेशन हो रहा है स्टेम का, तो हम उसे सब एरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं. अब अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में भी कई टाइप्स आते हैं, जैसे राइजोम है, ट्यूबर है, बल्ब है, कॉर्न है. ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन में स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड आते हैं. सब एरियल मॉडिफिकेशन में रनर, स्टोलन, ऑफसेट आते हैं. ओके, अब आ जाते हैं डिटेल में पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के एग्जांपल होते हैं जिंजर और टर्मरिक. क्लियर, जिंजर और टर्मरिक की जो ग्रोथ होती है ये सॉइल के नीचे हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं. ये थिक और ब्रांच्ड होते हैं, इनमें नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स इसमें प्रोमिनेंट होते हैं. इनमें जो राइजोम होता है इनमें बर्ड्स भी प्रोमिनेंट होती हैं. ये बर्ड्स हैं, इनकी बर्ड्स भी प्रोमिनेंट होती हैं, इसमें स्केली लीव्स भी होती हैं. क्लियर, तो ये राइजोम, अच्छा, जिंजर की तरह ही टर्मेरिक भी होता है. टर्मेरिक में भी नोड और इंटरनोड प्रोमिनेंट होता है और ये दोनों ही हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के अंदर ग्रो करते हैं. तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का, बहुत इजीली आपको लर्न भी हो जाएगा क्योंकि जिंजर और टर्मरिक बिल्कुल देखने में एक जैसे ही लगते हैं. कलर में डिफरेंस होता है, येलो कलर की टर्मरिक हो जाती है और ब्राउनिश हो जाता है जिंजर. क्लियर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्यूबर में. ट्यूबर का जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है पोटैटो, जो सभी ने अपने घरों में देखा होगा पोटैटो. इसमें नोड्स और इंटर नोड्स जो होते हैं ये क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं बच्चों. और जो इनकी नोड्स होती है इन्हीं को हम आई कहते हैं और इन्हीं आईज पे ये एक्सिलरी बर्ड्स ग्रो करती हैं. और क्या होता है कि अगर हम इसको सो करें, लेकिन अगर इसका आई वाला पार्ट या बर्ड वाला पार्ट उसमें हो, प्रेजेंट हो,
तो ये एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। लाइक आप इस पोटैटो को देखो, इस पोटैटो में ये एक्सिलरी बड्स हैं, ये नया प्लांट ग्रो कर गया। क्लियर? तो ट्यूबर का एग्जांपल क्या हो गया? पोटैटो। नेक्स्ट आ जाते हैं बल्ब। बल्ब का एग्जांपल है अनियन एंड गार्लिक। बल्ब का एग्जांपल है अनियन एंड गार्लिक। अनियन और गार्लिक में क्या होता है कि अनियन में जो बिल्कुल ये बेस पर ये एडवेंटिशियस रूट दिखती हैं, और एडवेंटिशियस रूट के जस्ट ऊपर ये फ्लैट डिस्क जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्टेम होता है। स्टेम इसका मतलब बिल्कुल कंडेंस्ड हो जाता है, हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, जो एक फ्लैट डिस्क के फॉर्म में बॉटम में आपको नजर आता है। जब कभी आप अनियन को कट करो, मान लो ये अनियन है और इसको जब कभी कट करो तो बिल्कुल साफ ये समझ में आता है। मैं इसका रियल स्पेसिमेन में आपको दिखाऊंगी जिसमें ये साफ समझ में आता है कि रूट के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है वाइट कलर का, हाईली कंडेंस्ड फ्लैट डिस्क, वो इसका स्टेम होता है। क्लियर? इसके ऊपर ये एपिकल बर्ड्स होती हैं और सराउंडिंग में ये स्केली लीव्स होती हैं जो कि फ्लैशी होती हैं और अपने अंदर फूड और वाटर स्टोर किए रहती हैं। इसके जो सबसे ऊपर की जो स्केली लीव्स होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, जिसको हम छिलका भी कहते हैं प्याज का, और जो हम काटते समय इसको निकाल देते हैं। क्लियर? अच्छा, बिल्कुल अनियन की तरह ही गार्लिक भी होता है, और इसमें भी ऊपर स्केली लीव्स होती हैं, अंदर फ्लैशी लीव्स हैं जिसमें फूड एंड वाटर स्टोर रहता है। तो बल्ब का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, अनियन एंड गार्लिक। ओके, और इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि बल्ब जो है ये अनियन और गार्लिक, अगर आप इसको देखो इसका लुक भी बिल्कुल बल्ब की तरह लगता है ना, तो आप इसको ईजिली इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। बल्ब का एग्जाम्पल हो गया अनियन एंड गार्लिक। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्न। बच्चों, कॉर्न में जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, कोलोकेसिया। कोलोकेसिया जो होता है, कोलोकेसिया बच्चों अरबी को कहते हैं। क्लियर? तो ये कोलोकेसिया का, कोलोकेसिया को समझते हैं। कॉर्न में क्या होता है, स्वॉलन वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसमें जो, इसमें भी स्केली लीव्स, ये स्केली लीव्स हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। इट हैज़ वन एंड मोर बर्ड्स, यहाँ पर इसके नीचे बर्ड्स निकलती हैं जो डिटैच होकर एक नया प्लांट जर्मिनेट करता है। ठीक है, अगर हमको कॉर्न का एग्जांपल कोलोकेसिया लर्न करना हो तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आप कॉर्न में देख रहे हो सी अल्फाबेट है इसका स्टार्टिंग का, और कोलोकेसिया में भी सी है, तो कॉर्न का एग्जांपल कोलोकेसिया, इस तरह से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं एरियल मॉडिफिकेशन पे। एरियल मॉडिफिकेशन में पहला है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कुछ क्लाइंबिंग प्लांट्स में एक्सिलरी बड जो होती हैं वो थिन थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाती हैं, जिनको हम टेंड्रिल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिनको हम टेंड्रिल कहते हैं, और ये अपने किसी भी नियर बाई ऑब्जेक्ट की हेल्प लेकर के ये ऊपर चढ़ता चला जाता है। इस तरह से ये जिस भी प्लांट में ये टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं ये क्लाइंबिंग का काम करती हैं और पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेपवाइन, पंपकिन, गॉर्ड, कुकुम्बर, पैशन फ्लावर। अगर हम इसको याद करना चाहें बच्चों तो हम ग्रुप से लर्न कर सकते हैं। ग्रुप्स को हम शॉर्ट में GPS लिखते हैं, बट यहाँ पर हम GPS ना लिख के GPC लिखेंगे। ओके, और GPC में भी हम इसको लर्न करने के लिए GGP और C से लर्न करेंगे। तो पहले G का मतलब हो गया ग्रेपवाइन, दूसरे G का मतलब हो गया गार्ड, और P का मतलब हो गया पंपकिन, और C से हो गया कुकुम्बर। तो जिस तरह से ग्रुप्स में भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है हमें, उसी तरह हमें क्लाइंबिंग क्लाइंबर भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हम दोनों के सपोर्ट को लेकर के हम ग्रुप से इसको लर्न कर सकते हैं। बस आपको मेन ये ध्यान रखना है कि हमें S की जगह C लिखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं थॉर्न में। तो थॉर्न क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कुछ एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं लाइक रोज प्लांट की, ड्यूरेंटा प्लांट की, वो एक्सिलरी बर्ड जो होती हैं वो हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ये थॉर्न होता है। ओके, अच्छा, थॉर्न, ये थॉर्न बेसिकली ड्यूरेंटा का है, और बाकी थॉर्न में रोज और ड्यूरेंटा दोनों इसके एग्जांपल होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाते हैं फाइलोक्लैड में। फाइलोक्लैड क्या करता है, ये स्टोर करता है फूड को
और फूड प्रिपरेशन का काम करता है। यहाँ पर जो स्टेम होती है बच्चों, वही लीफी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे ये स्टेम है तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई, ये फ्लैशी और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जो देखने में बिल्कुल लीफ की तरह लग रही है। तो बच्चों अगर स्टेम इसकी लीफ में कन्वर्ट हो गई तो इसकी लीफ कहाँ गई? ये है बच्चों लीफ इसकी, ये स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर? तो इस तरह के प्लांट में ये फाइलोक्लैट कहलाता है, जिसमें स्टेम फ्लैशी और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और जो लीव्स होती हैं स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनके स्टेम में ही ये फूड को स्टोर करती हैं और वाटर को स्टोर करती हैं, जिससे ये लॉन्ग पीरियड तक अपना ये वाटर को कंज्यूम करती रहती हैं और काफ़ी टाइम तक, जैसे डेजर्ट एरिया में जहाँ पानी वानी नहीं मिलता है वहाँ पर भी ये ईजिली इसी वजह से ग्रो करती रहती हैं। तो फाइलोक्लैट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपुंशिया या कैक्टस। आप लोगों ने अपने घरों में या आसपास सराउंडिंग में कभी ना कभी तो कैक्टस देखा ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन में। सब एरियल मॉडिफिकेशन क्या करता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करता है। तो इसका फर्स्ट बहुत बढ़िया एग्जांपल रनर है, और रनर में भी हमने जब हम लोग कभी जब घास वगैरह पे चले हों तो आप ध्यान करो कि जब आप कभी घास में बैठो, धूप घास और वुड सॉरेल इसका एग्जांपल है, तो मेन जब धूप घास जो होती है जब आप उसको एक सिरे से पकड़ते हो और खींचते हो तो वो कितना दूर दूर तक खींचती चली जाती है, बिल्कुल उखड़ती ही चली जाती है ना बच्चों? तो इसको रनर कहते हैं। ये हॉरिजेंटली ग्रोइंग स्टेम होता है दैट बेयर्स एक्सिलरी बर्ड्स कवर्ड बाय स्केल लीव्स। ओके, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं ये आगे चल के बढ़ती चली जाती हैं और बीच बीच में अपने नोडल एरिया से एडवेंटिशियस रूट देती हैं। नीचे एडवेंटिशियस रूट निकलती जाती हैं, ऊपर लीव्स निकलती जाती हैं, और इस तरह से ये बिल्कुल पूरे ग्राउंड में फैलती चली जाती हैं। तो धूप घास या धूप ग्रास इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है रनर का। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टोलन पे। तो स्टोलन का अच्छा सा एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी और गूसबेरी। ये होती हैं क्या स्ट्रॉबेरी और गूसबेरी में क्या होता है, जो इसकी लोअर ब्रांच होती है, ये स्ट्रॉबेरी की पिक्चर है, तो स्ट्रॉबेरी में ये देखो ये जो इसकी लोअर ब्रांच होती है, एक मिनट मैं इसको समझा रही हूँ। हाँ, ये जो इस मान लो ये प्लांट है तो इसकी जो लोअर ब्रांच होती है वही इसकी झुक करके जब ये ज़मीन से टकराती है, ग्राउंड से टच करती है, तो ये ग्राउंड से टच करके ये नीचे इसके फिर रूट्स निकल आती हैं और ऊपर इसके लीव्स निकल आती है, मतलब एक नया प्लांट बन जाता है। और फिर जब इसकी लोअर ब्रांच ये झुकती है तो ये एक नया प्लांट बना लेती है, नीचे जैसे ग्राउंड से टच करती है तो नीचे इसकी रूट्स निकल आती हैं और ऊपर इसकी लीव्स बन जाती हैं। तो इस तरह से जो ये पार्ट होता है, जो ये बीच का, दो नोड्स के बीच का पार्ट होता है, इसी को हम स्टोलन कहते हैं। ऑफसेट। अच्छा बच्चों अब ऑफसेट समझते हैं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा रनर और स्टोलन वो एग्जाम्पल थे सब एरियल मॉडिफिकेशन के, जो कि ग्राउंड के सर्फेस पर ग्रो करते थे। अब ऑफसेट जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो वाटर के सरफेस पे ग्रो कर रहा है। इसमें एक एग्जांपल हो गया वाटर हाइसेंथ और एक हो गया वाटर लेट्यूस। ये दोनों ही वाटर हाइसेंथ है। ये वाला जो है पिक्चर ये वाटर हाइसेंथ का ही क्लोजअप है। इसमें क्या होता है, लेटरल ब्रांच जो स्टेम की होती हैं उनमें से शॉर्ट इंटरनोड एराइज होता है। जैसे आप रनर और स्टोलर में देख रहे थे काफ़ी लॉन्ग इंटरनोड थे, बट यहाँ पर शॉर्ट इंटरनोड होता है और हर नोड से टफ्ट ऑफ रूट्स निकलती हैं हर नोड से, और ऊपर के साइड में रोजेट ऑफ लीव्स निकलती हैं। अच्छा, ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से ये पूरे वाटर सरफेस पे इतनी जल्दी फैल जाता है, इसकी ग्रोथ इतनी जल्दी हो जाती है कि पूरा का पूरा वाटर सरफेस से कवर्ड नजर आता है। ये मेनली जो है जो ऑफसेट है मेनली हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं। आप ये देख सकते हो ये दो नोड के बीच का जो पार्ट है इसी को हम ऑफसेट कहते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट लेंथ का होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। हमने पढ़ लिया शूट सिस्टम के बारे में और शूट मॉडिफिकेशन के बारे में।